आदमी पार्टी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत राज ने कहा कि विगत कुछ सालों में सागर जिले के विट्ठल नगर वार्ड क्रमांक 16 स्थित देव श्री जानकी राम मंदिर ट्रस्ट के लगभग 4 एकड़ भूमि पर ट्रस्ट संचालक और भूमाफियाओं के साठगांठ से बेशकीमती नगर निगम क्षेत्र में स्थित भूमि पर करीब 100 वर्ष से विट्ठल नगर वार्ड स्थित देव जानकी रमन मंदिर ट्रस्ट की कृषि भूमि जो वहां रह रहे व्यक्ति को कृषि कार्य कर परिवार के भरण पोषण हेतु दी गई थी। जब उक्त ट्रस्ट का संचालक कारंदा मधुसूदन गोस्वामी थे, उक्त जमीन पर करीब 50-60 वर्ष पूर्व दुरावर पटेल, हल्काई पटेल और उनका परिवार उक्त जमीन पर कृषि कार्य करते आ रहे थे, परंतु इन लोगों के जीवित रहते कभी भी उक्त जमीन विक्रय के संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि उक्त जमीन उनके परिवार की नहीं थी बल्कि देव जानकी रामन मंदिर ट्रस्ट की थी। वर्तमान में जीवनलाल वल्द जोरावर पटेल, देवेंद्र हलकई पटेल, रामचरण पटेल के द्वारा देव जानकी रमन मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर विक्रय प्रियांशी जैन मनोहर साहू को बेच दी गई, जिसका पटवारी हलका नंबर 66 खसरा नंबर 110 रकवा 0.6600 तथा इसी तरह सुरेंद्र जैन और अनिल पटेल ने भी 2.26 एकड़ भूमि खरीदी है। ये मिलाकर करीब 3.39 एकड़ भूमि पर सामूहिक रूप से अवैध प्लांटिंग काट कर कॉलोनी बनाने का कार्य कर रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लक्ष्मीकांत राज, सूरज जाटव, संजय रजक, सुनील अहिरवार, अमर चौधरी, विजय आनंद, शहरी जिलाध्यक्ष अभिषेक अहिरवार, दिनेश जाटव, भागीरथ अहिरवार, इंदर अहिरवार, शेखर अहिरवार, राजा इत्यादि मौजूद थे। इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। रहली से देव भूषण दुबे की रिपोर्ट। कल आम आदमी पार्टी द्वारा किस संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया था? आम आदमी पार्टी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था, दरअसल वो विट्ठल नगर वार्ड में स्थित देव श्री जानकी राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि, जो लगभग 4 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा वहाँ पे जो कॉलोनी बनाई जा रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था। तो आप कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं? अगर उस पर एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो विट्ठल नगर वार्डवासी एवं आम आदमी पार्टी को आंदोलन के लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया, विज्ञापन दिया आपने? कलेक्टर साहब तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो अपने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा था, प्रतीक रजक जी हैं, उनने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया।